आजमगढ़ नाबार्ड के तत्वावधान में नेशनल हैंडलूम डे के अवसर पर मुबारकपुर कस्बे में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी श्री विशाल भारद्वाज ने दीप प्रज्वलित कर किया। जिलाधिकारी ने मुबारकपुर में हो रहे इस कार्यक्रम पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से यहाँ बने वस्त्रों को पूरी दुनिया में पहुँचाने में मदद मिलेगी। इसी के साथ ही जिलाधिकारी ने हथकरघा दिवस के अवसर पर बुनाई कारोबार के विकास पर अपना सुझाव दिया एवं बुनकरों की समस्याओं पर चर्चा भी की। उन्होंने बुनकरों को संबोधित करते हुए कहा कि मुबारकपुर की पहचान विश्व पटल पर बुनाई से है। इस पहचान को और बढ़ाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर नाबार्ड के सहयोग से मुबारकपुर में जो हथकरघा उद्योग है उससे जुड़े लोगों का और यहाँ जो साड़ियाँ और अन्य वस्त्र बन रहे हैं उसकी एक यहाँ फैशन शो भी हुई और उस पर कैसे उन्हें और बाज़ार उपलब्ध कराया जाए, नए तकनीकों से उन्हें जोड़ा जाए, डिज़ाइंस को कैसे समसामयिक बनाया जाए, इस पर आज यहाँ चर्चा हो रही है जो मुझे लगता है कि बहुत ही उपयोगी होगी। और यहाँ जो हथकरघा क्षेत्र से जुड़े हमारे भाई बहन हैं उनके रोजगार को और वो आगे बढ़ाएगा। सर, जिस तरह से ये हॉल बनाया गया और जो मांग की गई कर गया था कि तरफ से कि यहाँ पर ट्रेनिंग कराई जाए, उस मांग के सिलसिले में आप क्या कहें? जी, वो अवश्य कराई जाएगी। और जो यहाँ पर ये जो विपणन केंद्र है, मार्केटिंग सेंटर है, इसको कैसे और क्रियाशील किया जाए, इस पर हम लोग शीघ्र कार्रवाई करेंगे। अभी यहाँ पर मार्केटिंग की एक समस्या है। मुबारकपुर में आकर यहाँ के जो प्रोडक्ट है उसकी खरीदारी कम हो पाती है। यहाँ के जो बुनकर हैं उन्हें बाहर जाकर अपनी सामग्री बेचनी पड़ती है, उस पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर, नाबार्ड का ये प्रयास के लिए क्या कहेंगे? नाबार्ड के लिए बहुत अच्छा प्रयास है और ये इसके दूरगामी प्रभाव होंगे। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।